हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आप देख रहे हैं नेक्स्ट एंड लाइफ। मैं हूं आपका दोस्त आकाश। तो हाल ही में हमने एक ऐसी खबर सुनी जो काफी दुखदायी थी। हमने सुना कि टीवी के मशहूर एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला अब इस दुनिया में नहीं रहे। जब ये खबर सामने आई तो किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि क्या ये सच में ऐसा हो चुका है या ये कोई ट्रोलिंग हो रही है, कोई मजाक है। लेकिन जब वाकई में ये चीज क्लियर हो गई तो उसके बाद उनकी फैमिली, उनके फैंस, उनके चाहने वाले सभी इस चीज से काफी ज्यादा दुखी हैं और अभी तक इस बात पर विश्वास करना हर किसी के लिए मुश्किल है। लेकिन इस पूरे मामले पर जो सबसे ज्यादा इशू वाली चीज रही वो हमने देखी कि मीडिया ने इस पूरे इशू को कैसे कवर किया। दोस्तों आपको बता दें कि अभी कल ही सिद्धार्थ का अंतिम संस्कार हुआ, योशीवारा में हुआ, मुंबई में स्थित है। और वहां पे हमने देखा कि मीडिया जो है वो इस कदर घुसी हुई थी, इस कदर इकट्ठा हो गई थी जैसे मानो कि उन्हें कोई परवाह ही नहीं है कि उनके घर वाले किस स्थिति से गुजर रहे हैं। इसको लेकर एक वीडियो भी हमने देखी जिसमें हमने देखा कि शहनाज गिल को मीडिया ने ऐसे बिल्कुल उनको चारों तरफ से ऐसे घेर के रख दिया है जैसे मानो कि उनकी कोई लाइफ ही नहीं है, उनका कोई दर्द ही नहीं है। इस तरह की चीजों को देखकर बहुत दुख होता है और मीडिया कवरेज पर कई तरह के सवाल भी उठते हैं। क्या मीडिया को अपनी फोटोज और वीडियोस के लिए इतना ज्यादा ऊपर चढ़ जाना चाहिए कि जो इंसान दुख में है, जो इंसान शोक मना रहा है, उसको प्रॉब्लम होना शुरू हो जाए। इस वीडियो में हम साफ साफ देख सकते हैं कि शहनाज के पास रास्ता भी नहीं है चलने के लिए। वो तो शुक्र हो उनके भाई का और पुलिस का कि उन्होंने जैसे तैसे उन्हें अंदर तक पहुंचाया। लेकिन हम आसपास देख सकते हैं कि मीडिया वाले लोग अपने कैमरा के साथ बस फोटो क्लिक करने के चक्कर में ऊपर चढ़े जा रहे हैं और इस वजह से ये बहुत दुखदायी होता है देखने के लिए कि ऐसा मीडिया क्यों हो गया है इस देश का। दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि हमारे देश की मीडिया को लेकर ऐसे ही कई सारे सवाल उठाए जाते हैं। हमारे देश की मीडिया को लेकर ये कहा जाता है कि अब ये न्यूज से ज्यादा एक एंटरटेनमेंट पोर्टल बन चुके हैं जहां पे इनका बस यही काम रह चुका है कि कैसे चटपटी बातें जो है वो बनाई जाएं, दिखाई जाएं और बेची जाएं। अब इसी के चलते जब किसी के घर पे इस तरह का हादसा हो जाता है और उसके बाद इस तरह की खबरें और वीडियो सामने आती हैं तो बहुत दुख होता है। दुख होता है कि अब इंसानियत जो है उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है पैसा, उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गई है एक अच्छी फोटो, एक अच्छी वीडियो। और इसी के चलते हमारी जो मीडिया है इसको कई तरह के ट्रोलिंग का सामना करना पड़ता है। हम उम्मीद करेंगे कि हमारे देश की मीडिया, हमारे देश की कैमरामैन, पेपराजी, जो भी ये लोग इन चीजों को कवर करने की कोशिश करते हैं, वो इंसानियत भी अपने साथ रखें, सिर्फ अपनी फोटोज और वीडियोस की परवाह ना करें और इस समय में इन लोगों की जो प्रॉब्लम है, इन लोगों की जो स्थिति है उसको समझने की कोशिश करें। तो इसी थॉट के साथ इस वीडियो को खत्म करूंगा। नमस्कार।